लाइफ में इंसान किन वजहों की वजह से फेलियर बन जाता है? क्या ऐसी क्वालिटी, क्या ऐसी आदतें इंसान के अंदर होती हैं जिसकी वजह से इंसान लाइफ में फेल हो जाता है? तो इन चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं और कुछ ऐसी ही बातों को डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जो एक सबसे पहली पहचान है एक फेलियर की, या एक जो गलत आदत है जो इंसान को फेल करती है या इंसान को फेल होने पर मजबूर कर देती है, वो है सेल्फ डाउट। अगर सेल्फ डाउट आपके अंदर है, एक आपने एक गोल तो सेट कर लिया है, लेकिन उन चीज़ों पर काम करने से पहले, उन चीज़ों को आप अचीव करने से पहले ही खुद पर अगर डाउट करते हैं, खुद की सेल्फ पर अगर डाउट करते हैं कि ये चीज़ें मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस तरीके की आ जाएंगी कि आप उन्हें फेस करते करते खुद ही फेल हो जाएंगे। सेल्फ डाउट आपकी विल पावर को भी कम करता है। सेल्फ डाउट अगर आप अपने ऊपर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम 50% वहीं पर फेलियर बन जाते हैं। जब भी हम किसी गोल को, किसी भी डिज़ायर को लेके काम करते हैं और खुद पर अगर डाउट वहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं कि ये फेलियर की पहचान है कि वो अपनी सेल्फ पे डाउट करते हैं कि ये चीज़ें मैं अचीव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। वहीं पर सेकेंड बात, एक फेलियर की पहचान ये होती है कि दे ट्राई टू बी परफेक्ट फॉर समवन। वो हमेशा सामने वालों के लिए परफेक्टली कोशिश करते हैं अपने आप को शो करने की, अपने आप को प्रेजेंट करने की। वो हमेशा इस तरीके का अपने आप को दिखाते हैं लाइक कि आई एम अ परफेक्ट, जबकि वो एक्चुअल में परफेक्ट होते नहीं हैं। वो हमेशा दूसरों को ही दिखाने के लिए ज़्यादातर एक्टिविटीज़ करते हैं, ज़्यादातर चीज़ें करते हैं, जो कि एक फेलियर की पहचान होती है। तीसरी बैड हैबिट ये होती है एक फेलियर के अंदर कि वो जो रिजेक्शंस को अपनाना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाती है। क्योंकि लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि आप इतने परफेक्ट हैं जो कि आपको हर कोई एक्सेप्ट करेगा, आपके काम को हर कोई एक्सेप्ट करेगा। अगर एक भी पर्सन आप मुझे बता दीजिए पूरी दुनिया के अंदर कि जो परफेक्ट है। लाइफ में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। कोई भी एक्टर हो, कोई भी पॉलिटिशियंस हो, कोई भी प्लेयर हो, वो सबके लिए परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो उसी तरीके से आप भी हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं हो सकते हैं लाइफ में। सो यू हैव टू बी परफेक्ट ओनली फॉर योर सेल्फ। हमेशा अपनी सेल्फ के लिए आप परफेक्ट बने। आप एक इंसान हैं, आपसे गलतियाँ होंगी और गलतियाँ होंगी और कहीं ना कहीं आपको लोग रिजेक्ट भी करेंगे, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी वाइज हो, चाहे वो आपकी स्किल्स वाइज हो, चाहे वो आपकी वर्क वाइज हो। तो एक फेलियर की पहचान होती है वो इन चीज़ों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे लोगों को जब कोई रिजेक्ट करता है तो वो हमेशा उलझन में पड़ जाते हैं, हमेशा टेंशन लेते हैं उन चीज़ों की कि मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं फेल हो गया लाइफ में, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कैसे मूव ऑन करूं। तो वहाँ पे इस तरीके से आपने टेंशन नहीं लेनी है लाइफ में, जस्ट यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम देयर। तो ये हमेशा आप ध्यान रखें, ये एक फेलियर की पहचान होती है जो कि आपने नहीं करना है। चलिए अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो चौथी बात ये होती है उनके अंदर स्टॉप लर्निंग। जो फेलियर की एक पहचान होती है ना, वो लर्निंग को स्टॉप कर देते हैं। वो लाइफ में सीखना, पढ़ना, ये चीज़ें जब स्टॉप कर देंगे तो जाहिर सी बात है आप लाइफ में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि एक लर्निंग ऐसी है, कभी भी इंसान का कोई भी लेवल हो, चाहे आप किसी भी लेवल को अचीव कर लें, अगर उस लेवल पर भी जाने के बाद आप अपनी लर्निंग को रोक देते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लाइफ में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप वहीं पर रुक जाएंगे, एक ठहराव आ जाएगा और आप लाइफ में धीरे धीरे डाउन होते चले जाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जो एक फेलियर की पहचान होती है ना, वो लाइफ में लर्निंग को रोक देते हैं, अपनी रीडिंग को रोक देते हैं, लाइफ में सीखना बंद कर देते हैं। तो उनका एक ये रीज़न होता है फेल होने का, तो जो कि आपने नहीं करना है। कि लर्निंग आपको बहुत काम आएगी, जो कि आपको कंटिन्यू रखनी है। सो होप यू गाइज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए यू कैन चेक आउट अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल।